हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के Q1 के रिजल्ट्स, और दोस्तों साथ ही में हम जानेंगे कि क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। क्या हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक 4,000 रुपीज़ तक आगे बढ़ता नज़र आएगा, या फिर स्टॉक के अंदर हम गिरावट नज़र करेंगे और 3,500 रुपीज़ के लेवल्स को टच करता नज़र आ सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्टॉक। चलिए जानते हैं डिटेल टारगेट एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में -0.55% का रिटर्न दर्शाया, यानी कि 0.55% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक के अंदर देखी। स्टॉक ने 3,770.85 रुपीज़ के ऊपर अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस दर्शाई हमें नज़र आ रही है। तो दोस्तों, चले जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के Q1 के रिजल्ट्स, और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स इसी स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये है न्यूज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। स्टेट रन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ऑन फ्राइडे रिपोर्टेड अ वीक सेट ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स, यानी कि हमने फीके रिजल्ट्स देखे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। द कंपनी रिपोर्टेड अ 31.3% ईयर ऑन ईयर जंप इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू ₹814.2 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन June 30, यानी कि हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 31.3% का ईयर ऑन ईयर जंप देखा नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि ₹814.2 करोड़ का था। HAL's revenue from operations, however, stood at ₹3,915.4 crore for the first quarter of the current financial year, as against ₹3,622.46 crore for the corresponding period a year ago. यानी कि कंपनी ने लगभग 3,915 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू दर्शाया है, जो कि पिछले साल लगभग 3,622.46 करोड़ रुपीज़ का था। HAL शेयर स्लिप इनटू द रेड ब्रीफली आफ्टर द अर्निंग्स अनाउंसमेंट, यानी कि HAL शेयर के अंदर हमने गिरावट नज़र की जब इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स को दर्शाया था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या होंगे हमारे अगले टारगेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के अंदर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो दोस्तों, ये है अवली चार्ट फ्रेम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के स्टॉक का। जैसे कि हम नज़र कर सकते हैं कि स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक इनपॉइंट सपोर्ट जो कि था 3,800 रुपीज़ के, उसको ब्रेक किया नज़र आया, और स्टॉक ने अपनी लास्ट क्लोजिंग प्राइस लगभग 3,775 रुपीज़ के आसपास दर्शाई हमें नज़र आ रही है। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के लिए 3,780 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हम नज़र कर सकते हैं। यदि स्टॉक इसे ब्रेक नहीं कर पाता तो दोस्तों स्टॉक हमें लगभग 3,740 रुपीज़ तक गिरता नज़र आ सकता है। 3,740 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड करता हमें नज़र आ सकता है, जो कि लगभग 3,715 से लेकर 3,690 रुपीज़ का है। यदि स्टॉक इसे ब्रेक करता है लोअर साइड तो दोस्तों स्टॉक हमें अच्छा खासा गिरता नज़र आ सकता है, और दोस्तों स्टॉक लगभग 3,660 और 3,625 रुपीज़ तक हमें नीचे गिरता नज़र आ सकता है। दोस्तों, ये तो बात थी लोअर साइड की। अगर ऊपर की साइड की बात करें तो यदि स्टॉक 3,800 के एक इनपॉइंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर की साइड, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 3,830 रुपीज़ का होगा, और उसके बाद स्टॉक 3,860 रुपीज़ तक आगे बढ़ता हमें नज़र आ सकता है। दोस्तों, 3,860 को ब्रेक करने के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता नज़र आएगा, और लगभग 3,915 रुपीज़ तक के टारगेट्स हम बनते नज़र कर सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, ये था टारगेट एनालिसिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। ऐसे ही टारगेट एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारी चैनल क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर को, जहां पर हम लाते रहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस के वीडियोस। धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।